निर्णय सप्त दिग्गजों की राय से लिया गया है, और क्योंकि हम चाहते हैं कि निर्णय निष्पक्ष हो, हम स्वयं इसके मध्यस्थ रहेंगे। स्मरण रहे पंडित रामकृष्ण बीरबल, ये जो भी कार्य दिए जाएंगे वो सप्त दिग्गजों द्वारा दिए जाएंगे, और ये कार्य ऐसे होंगे जो इन दोनों की बौद्धिक क्षमता और मानसिक सतर्कता को परखेंगे। बीरबल, तनिक सोच समझकर ये पंडित रामकृष्ण बहुत चतुर है जी, तभी तो ये दरबार में, पर ये थे तभी तो आप मुझे वन से यहां लाए। देखिए इनकी चतुरता और बुद्धिमता मुझे कहां से कहां ले आए। पंडित रामकृष्ण, हम जानते हैं कि आप सक्षम हैं, परंतु आप इस बीरबल से बच के रहिएगा। मंत्रीवर, बचकर तो वो लोग रहते हैं जो किसी दूसरे के भरोसे आए हों या जिनके मन में भय होता हो। अब तो मैदान में उतर ही चुके हैं, अब जो होगा देखा जाएगा। सत्यवचन पंडित रामकृष्ण, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो सप्त दिग्गजों द्वारा दिया गया कार्य हम दोनों दावेदारों के लिए पढ़कर सुनाते हैं। जाना है एक यात्रा पर, होकर ऐसे वाहन पे सवार, ऐसा वाहन जो उसके बनाने वाले के किसी काम का ना हो, और उसे खरीदने वाला उसका इस्तेमाल ना कर सके, और जो इस्तेमाल करे ना तो उसे देख पाए और ना ही उसे पता चले। तो ऐसे वाहन में आना है दरबार, जो ना आ सके वो जाएगा हार। इस कार्य को पूर्ण करने हेतु सप्त दिग्गजों ने एक दिवस का समय निर्धारित किया है। तो बीरबल, पंडित रामकृष्ण, आप दोनों के पास केवल एक दिवस का समय है। महाराज कृष्ण देव राय की जय! 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 पंडित रामकृष्ण जी, प्रतियोगिता की शुभकामनाएं। धन्यवाद। अब तो प्रतियोगिता आरंभ हो चुकी है, हम एक दूसरे के सामने खड़े हैं। अब तो बता दो, तुम चाहते क्या हो? मैं क्या चाहता हूं? जब याद आएगा तब बता दूंगा, किंतु मैंने जो सोचा तक नहीं था या चाहने का प्रयास तक नहीं किया था वो मुझे आज मिल गया। क्या? अपने आदर्श पंडित रामकृष्ण जी के साथ खड़े रहने का अवसर। साथ तो खड़े हो, किंतु आगे बढ़कर मुझे हराने की इच्छा नहीं। पंडित रामा जी, कभी कभी हम अपना जीवन जीते ही नहीं, अपने सारे डरों को जीकर रह जाते हैं। अपना डर मिटाने की चाह है, आपको हराने की नहीं। यदि आप कहते हैं तो मैं अभी इसी समय प्रतियोगिता से हट जाता और अपने डर को भी अपने साथ ले जाता, जो न जाने किन किन को हो गया। यदि तुमने इस समय इस स्पर्धा से अपना नाम वापस लिया तो फिर कभी अपनी सूरत मुझे मत दिखाना, क्योंकि मैं ये नहीं चाहूंगा कि एक डरपोक और दुर्बल मेरा प्रतियोगी हो। यही सुनने के लिए तो मेरे कान तरस गए थे। एक बार फिर प्रतियोगिता की शुभकामनाएं। धन्यवाद बीरबल, क्योंकि यदि तुम हारोगे तो कोई बात नहीं होगी, किंतु यदि मैं हारूंगा तो बहुत बड़ी बात होगी। मुझे जीत कर भी कोई श्रेय नहीं मिलेगा और तुम्हें हार कर भी कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। दोनों तरफ से पलड़ा तुम्हारा ही भारी है। नहीं। नहीं।
जाना है एक यात्रा पर, होकर ऐसे वाहन पर सवार, ऐसा वाहन जो बनाने वाले के किसी काम का ना हो, खरीदने वाला उसे उपयोग ना कर पाए और जो उपयोग करे वो उसे देख ना पाए। कैसा वाहन है ये, कहाँ मिलेगा ये वाहन? वाहन बीरबल, बीरबल मिला कोई वाहन? सोच रहा हूँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा। हम भी कब से सोच रहे थे, यदि उत्तर नहीं मिला तो हम हार जाएंगे। आप नहीं जानते बीरबल, ये पंडित रामाकृष्णा हमारे लिए शत्रु से भी बढ़कर है। उसके जीते जी हम अपनी आंख बंद करके नहीं सो सकते। उत्तर चाहिए, उत्तर चाहिए, उत्तर चाहिए, हल चाहिए, हल चाहिए, हल चाहिए हमें। इस तरह उत्तेजित होने से या सर पीटने से हल नहीं मिलेगा, कुछ सोचेंगे तभी हल मिलेगा। कभी कभी जीवन में लक्ष्य तक पहुंचने के लिए रास्ता होता ही नहीं है, बनाना पड़ता है। कदाचित इस कार्य का भी कोई हल हो ही ना, और उत्तर देने के लिए हल बनाना पड़े। मिल गया, मिल गया, हमें उत्तर मिल गया, हमें उत्तर मिल गया। जाना है एक यात्रा पर, होकर ऐसे वाहन पे सवार, ऐसा वाहन जो उसके बनाने वाले के किसी काम का ना हो और उसे खरीदने वाला उसका इस्तेमाल ना कर सके और जो इस्तेमाल करे वो ना तो उसे देख पाए ना ही उसे पता चले। ये लो और अपनी लिखावट में लिख लो, जिससे आपको याद रहे कि जो कार्य आपको दिया गया है उसका ना कोई हल और ना ही उत्तर संभव है। शारदा, ये कार्य जिन्होंने दिया है ना, उनके नाम में दिग्गज लगता है, दिग्गज, समझी? यदि इस कार्य का हल नहीं होता तो वो सप्त दिग्गज ये कार्य कभी मुझे नहीं देते। वो सप्त दिग्गज भी तो मनुष्य ही है, उनसे कोई गलती हुई है। ऐसा नहीं है अम्मा। तो वो तुम्हारे विरुद्ध कोई षड्यंत्र है तुझे अष्ट दिग्गज ना बनने देने का, ये तो अन्याय है। ओ मेरी अम्मेश्वरी, ये कार्य मात्र मुझे नहीं बीरबल को भी दिया गया है, और अन्याय एक तरफा पक्षपात होता है, दो तरफा पक्षपात नहीं। बापू हल्की सोचो, यदि हार गए तो यात्रा नहीं तीर्थ यात्रा पर जाना पड़ेगा। ए बंधु रामा, इस कार्य का हल तुझे बीरबल से पहले ढूंढना होगा, क्योंकि तेरा भविष्य दांव पर लगा है, और जब मनुष्य का भविष्य दांव पर हो तो उसे सारे दांव पे जाने चाहिए। हाँ बंधु, हल ढूंढने के लिए सोचना होगा और सोचने के लिए शांति चाहिए, और शांति के लिए तू भी चुप हो जा। उत्तर ले आए हम, उत्तर ये देखो ले आए उत्तर। गधो, तुम उत्तर सोचते रह गए, हम उत्तर की रचना करके ले आए। ये है लकड़ी का जीता जागता उत्तर। ये तो पालकी है, ये कैसे हल हुआ? ये आपको पालकी दिख रही, ये आपको पालकी दिख रही है? हाँ, पालकी लग रही है। हमें तो पहेली का एक एक शब्द इसमें दिखाई दे रहा है। परंतु कैसे गुरुजी? कैसे? ऐसे देखो, इन लोगों ने ये पालकी बनाई, हम इनके हाथ कटवा देंगे, इनके किसी काम नहीं आएगी, और जो इस पालकी को खरीदेगा हम उसे देश निकाला दे देंगे, वो इसे उपयोग नहीं कर पाएगा है? और हाँ बीरबल, हम तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांध कर तुम्हें इसमें बिठाएंगे और तुम इसमें बैठकर दरबार जाना, तुम इसे देख नहीं पाओगे। मिल गया ना, मिल गया ना पहेली का हल। राजगुरु जी, ये आपका हल सुनके सप्त दिग्गजों के मस्तिष्क में हलचल मच जाएगी, और महाराज आपसे पूछेंगे कि मैं हार का हार किसके गले में पहनाऊं, आपके या बीरबल के? गुरुजी, आप इस पालकी के साथ पैदल चलकर आए हैं ना? गुरुजी, आपकी प्रतीक्षा करके ना मैं भूख लग गई है, कुछ खाने के लिए ले दीजिए हमको। घर में तो गुरु माता नहीं है तो भोजन का प्रबंध भी नहीं होगा। आज तो वरुण माला नहीं है,
उचित है। मैं तो जा रहा हूँ, आप अपने भोजन का प्रबंध कर लीजिएगा। कहाँ? बीरबल, अरे रुको, रुको। कौन सी यात्रा है? कैसा वाहन है? अपने विचारों के वाहन से नीचे उतरिए और भोजन खा लीजिए। दोपहर में भी आपने बहुत कम खाया था, अभी तो पेट भर के खा लीजिए। शारदा महोदया, जब मनुष्य का मस्तिष्क 100 विचारों से भरा हो ना, तो उसका पेट भी अपने आप भर जाता है। एक बार पुनः पहेली दोहरा लेता हूँ। जाना है एक यात्रा पर, कोई ऐसे वाहन पर सवार। प्रणाम पंडित रामकृष्ण जी। शारदा, मेरा पुत्र आ गया। देख, चिंता में कितना पतला हो गया है। अम्मा, एक दिवस में कोई पतला हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? जब रात से लेकर दिन तक भोजन अंदर नहीं जाएगा, तो मनुष्य अंदर से पतला ही हो जाता है। खेचो, भाई तू बता, तूने सुबह से कुछ खाया है नहीं? जानती थी। आजा आजा। पता है पुत्र, आज वर्षों बाद मैंने भोजन बनाया है, वो भी तेरे लिए। हाँ माँ। अपने इन हाथों से, मैं तो बहुत कुछ भूल भी गई थी, फिर शारदा ने सहायता की, धन्यवाद अम्मा। तू खा। रो मत, समय मिलेगा तो तेरे लिए भी बना देंगे। भोजन के लिए नहीं रो रहा हूँ अम्मा, मैं तो ये सोच कर रो रहा हूँ कि ऐसे परिवार को देखकर अष्ट दिग्गज बनने की प्रेरणा कहाँ से लाऊं, जो मेरे ही सामने मेरे शत्रु को देखकर ऐसे 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 उत्साहित हो रहे। तो बिना खाए तो बेहोश हो जाएगा और कुछ भी सोचने का होश नहीं रहेगा। अरे अरे अरे, भोजन बीच में अधूरा छोड़ के कहाँ चले? दीदी, अम्मा, मुझे इस समय यहाँ से जाना होगा। कहाँ? वो तो पता नहीं, पर जाना आवश्यक है। कहाँ जाना है यही पता नहीं? बस जाना होगा। दीदी, अम्मा, मैं घर में स्थान और हृदय में इतना स्नेह देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। देखो बीरबल, प्रतिस्पर्धा की दृष्टि से कल का दिवस बहुत महत्वपूर्ण है। इस विषय में कुछ सोचा है कि नहीं? असमंजस में हूँ, कल के विषय में सोचूं या हल्के विषय में? रामा, जिसे खिलाड़ी समझा जा रहा था, ये तो अनाड़ी निकला, सब छोड़कर जा रहा है ये। अब जब प्रतिद्वंदी ही ना रहा तो प्रतिस्पर्धा कैसी? इसका जाना तो तेरी जीत है रामा। नहीं बंधु, इसके जाने में मेरी जीत नहीं है, अभी पहेली का हल निकालना शेष है। बीरबल, ऐसा कैसे कर सकते हैं? महाराज, हमारा अनुमान है कि वो स्पर्धा छोड़कर भाग खड़े हुए हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, अतः बीरबल को भगोड़ा घोषित कर पंडित रामकृष्ण को विजयी बना दिया जाए। पंडित रामकृष्ण, क्या आपको हल मिल गया है? जी महाराज, जैसे ही आपकी अनुमति मिलेगी मैं दरबार को अपने उत्तर से अवगत करा दूंगा। महाराज, प्रतिद्वंदी सामने ना होने से प्रतिस्पर्धा अर्थहीन लग रही, ऐसे में उत्तर का क्या महत्व रह जाता है? अब बीरबल सामने आ जाए तो सब सही हो जाए। परंतु गुरुवर, अगर बीरबल को आना ही होता तो वो जाते ही क्यों? महाराज, महाराज, बीरबल को इस स्पर्धा में अयोग्य घोषित कर देना चाहिए। महाराज, आप कोई निर्णय लें, इससे पूर्व मैं आपके दिए गए कार्य का उत्तर दे दूं। महाराज, एक प्रतियोगी दरबार में ना आए, ये गंभीर विषय है। महाराज,
सबसे पहले इसके विषय में पता लगाइए महाराज। हमें तो ये संदेहास्पद लग रहा है महाराज। प्रणाम महाराज, हमें बीरबल महोदय के नाम की एक वस्तु प्राप्त हुई है, हम उसे लाने की अनुमति चाहते हैं। अनुमति है। ये क्या लेकर आ रहे हैं? इसे खोला जाए। भगवान, मार डाला। महाराज, जिस बात का संदेह था वो षड्यंत्र के रूप में सामने है महाराज। बीरबल को मार दिया गया है महाराज। ये किसी की घिनौनी चाल है महाराज। गुरुवर शांत हो जाइए। मार डाला मंत्री। अब तनिक एक बार देखिए तो सही कि वो जीवित है कि नहीं। देखिए। हाँ, नाड़ी चल रही है महाराज। हृदय गति भी चल रही है महाराज। वो इसलिए क्योंकि बीरबल मूर्छित है, कोई षड्यंत्र नहीं है महाराज। क्योंकि जो उत्तर मैं आपको देने वाला था वो बीरबल ने प्रत्यक्ष रूप से प्रदर्शित करके दिखा दिया। तो पंडित रामकृष्ण, आप ये कहना चाह रहे हैं कि बीरबल को प्रतिस्पर्धा से बाहर रखने के लिए मूर्छित किया गया है ताकि वो उत्तर ना दे पाए? गुरुवर, उत्तर यही है आपकी आंखों के समक्ष। कृपया ध्यान से देखिए तो आपकी समझ में भी आएगा। सर्वप्रथम बीरबल के मुख पर जल छिड़क कर इन्हें होश में लाइए। जल धनमणि, जल लाओ। होकर एक ऐसे वाहन पर सवार जो उसके बनाने वाले के किसी काम ना आ सके, उसे खरीदने वाला उसका इस्तेमाल ना कर सके, और जो उसका इस्तेमाल करे वो ना तो उसे देख सके और ना ही उसे पता चले। ऐसे वाहन पर आना है दरबार, और जो ना आ सके वो जाएगा हार। बीरबल, महाराज, यात्रा है इस दुनिया से उस दुनिया तक की, जो मृत्यु के पश्चात होती है। जिस कारीगर ने इस ताबूत को बनाया ये उसके किसी काम की नहीं। जिसने इसे खरीदा वो इसका उपयोग नहीं कर सकता, क्योंकि अक्सर लोग दूसरों के लिए ताबूत खरीदते हैं उनके गुजर जाने के पश्चात। तो ये बीरबल महाशय जो कि मूर्छित अवस्था में इस ताबूत पर सवार होकर यहाँ आए या लाए गए, अर्थात ना ही इन्होंने देखा और ना ही इन्हें पता चला। वैसे ही जैसे मृत्यु के पश्चात हमें होश नहीं होता, ना हम कुछ देख पाते हैं ना ही हमें कुछ पता चलता है, वो तो अनंत काल की मूर्छा होती है महाराज। तो महाराज, ये है आपके द्वारा दिए गए प्रथम कार्य का हल, जो बीरबल ने बिल्कुल सही और सटीक दिया है। ताबूत ही वो वाहन है जिस पर सवार होकर हम परलोक की यात्रा पर निकलते हैं। अर्थात बीरबल विजयी हो गया।